सो ही गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हेयर्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, एंड इसका यूज हमें उस जगह ज्यादा करना है जहाँ पे हाईलाइटेड हेयर्स हमें दिख रहे हैं रेफरेंस पिक में। तो जो भी हाईलाइटेड हेयर्स होते हैं तो वो हम आइडेंटिंग टूल की हेल्प से दिखाने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ मेरे को हाईलाइटेड हेयर्स रेफरेंस पिक में दिख रहा है तो उस जगह मैं आइडेंटिंग टूल जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो आइडेंटिंग टूल का यही यूज़ है कि जो भी हेयर स्ट्रोक्स आपको दिखते हैं या फिर वाइट हाईलाइटेड हेयर्स दिखते हैं तो उसे दिखाने के लिए हम लोग आइडेंटिंग टूल का यूज़ करते हैं। सो गाइस, हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आउटलाइन की 10B पेंसिल यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमें अच्छा डार्क रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको शार्प कर लेंगे, एंड शार्प जब भी आप करो तो ध्यान से करना गाइस, क्योंकि ये पेंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटता है। देख सकते हो गाइस, मेरी भी पेंसिल टूट गई। सो यहाँ पर हम हेयर स्ट्रोक्स ड्रॉ कर रहे हैं, एंड हेयर स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ आउटलाइन की 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम। सो गाइस, यहाँ पर मैं पेंसिल को बहुत ही लाइट प्रेशर में यूज़ कर रहा हूँ, एंड अगर आप अभी से ही प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है ब्लेंडिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लो प्रेशर के साथ हेयर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग रेफरेंस पिक की हेल्प से हेयर्स को एस्टिमेट करके जो हमारी हेयर लाइंस है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देखते हैं गाइज हमें आउटलाइन की 10B पेंसिल से एंड में कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो गाइज, यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट साइड की हेयर से उसकी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे वाटर कलर ब्रशेज यूज़ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी हार्ड होती है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेयर्स की ड्राइंग के लिए हम लोग थोड़े हार्ड ब्रशेज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करोगे तो उतनी सही नहीं रहेगी। तो जब भी आप हेयर्स की ड्राइंग बना रहे हो तो वहाँ पर आपको हार्ड ब्रशेज यूज़ करनी चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर आप रेफरेंस पिक में देख सकते हो हेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ इतना डार्क से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग ब्लेंड करते हैं और जितना डार्क हो सके हम लोग उतनी डार्क करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अब हमारी हेयर्स जो है वो काफ़ी डार्क लग रही है, एंड सही लग रही है और काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है रेफरेंस पिक से। तो अब हम लोग राइट साइड के हेयर्स को ड्रॉ करेंगे, एंड सेम प्रोसेस होगा गाइज, कुछ अलग नहीं करने वाले। तो हम लोग सेम आउटलाइन की 10B पेंसिल यूज़ करेंगे, एंड जो हेयर लाइन से वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हम लोग सेम वाटर कलर ब्रश यूज़ करेंगे, तो जल्दी से हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। सो गाइज, हमारी जो ब्लेंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप बताना हमें कमेंट्स पे कि आपको हेयर्स की ड्राइंग कैसी लग रही है, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज। इस वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 50, तो आई होप कि आप वो पूरा कर दोगे। तो जल्दी से हम लोग नीचे के हेयर्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
सो गाइज हमारी जो हेयर्स की ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है थोड़ी बहुत हाइलाइट्स हम लोग दिखाने की ट्राई करेंगे। तो हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर यूज करेंगे। एंड जब भी आप मोनो जीरो इरेजर हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो तो ध्यान रखें कि आप उसे अच्छे से शार्प कर लेना ताकि आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट मिले। सो गाइज यहाँ पर रेफरेंस पिक की हेल्प से आपको हाइलाइट्स ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको एक एक स्ट्रोक ड्रॉ करना है, तो अच्छे से ध्यान से करना वरना हो सकता है आपकी जो स्केच है वो उतनी सही नहीं लगे। तो इस बात का ध्यान रखें, एक एक जो हाइलाइट्स होते हैं ना तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं गाइज, तो उसको अच्छे से ड्रॉ करना। एंड कमेंट्स पे जरूर बताना गाइज कि आपको ये हेयर्स की ट्यूटोरियल कैसी लगी। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड हेयर ड्राइंग से रिलेटेड आपको कुछ सीखने को मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, इसकी जो बैकग्राउंड है एंड कपड़े हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ड्रॉ करेंगे। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो की लाइक टारगेट जो है हमने 50 रखी है तो वो आप पूरा कर देना गाइज। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।